बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मुख्तियार का ऑफिस टलोलियार की न्यू इमारत का इफ्तिताह तो आप देख रहे हैं कि जो 13 अक्टूबर 2009 में डिस्ट्रिक्ट नाजमा डॉक्टर रायला गुलमंसी ने की। इस मुख्तियार का ऑफिस की हकीकत और साफी राजा असलम खानजादा आपको बता रहा है। टलोलियार मुख्तियारकार की हदूद के अंदर गुलाब लगारी भी शामिल था और गुलाब लगारी टंडो गुलाम अली भी इस इलाके में शामिल था, जबकि कौमी असम्बली और सूबा असम्बली की नशिस्त टंडो जाम और होशड़ी तक हाला तक इसकी नशिस्त होती थी। पहला बीडी इलेक्शन हुआ जिसमें नसीर खान मधवानी और बच्चानी ने हिस्सा लिया। उसके बाद कौमी असम्बली और सूबा असम्बली का इलेक्शन हुआ जिसमें मखदूम तालिब मौला और जुल्फिकार अली शाह जामोर का मुकाबला हुआ। इनके इलेक्शन ऑफिस टलोलियार शहर में ही बने थे। इसके बाद सैयद हसन शाह और भोरल शाह ने हिस्सा लिया। इसके बाद काजी अब्दुल मजीद आबिद मीर अली अहमद टालपुर के माबेन हनीफ राजपुर उनके माबेन मुकाबला हुआ और काजी अब्दुल मजीद आबिद कामयाब हो गए। इसके बाद सैयद उम्मेद अली शाह रिजवी मुंतखब हुए। सत्तार सरेवाल चंबड़ की नशिस्त पर थे। इसके बाद मियो वलारी और गनीदस सूबा असम्बली के मेंबर बने। इसके बाद अब्दुल सत्तार बच्चानी कौमी असम्बली के मेंबर मंतखब हुए। मखदूम खलीकुज़्ज़मा कौमी असम्बली के मेंबर मंतखब हुए और हाला और टनोजाम को काट दिया गया। अब चूँकि अली नवाज शाह के बाद ज़िया बादशाह और जुल्फिकार सत्तार बचानी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, इमदाद अली खान पिताफी सूबा असम्बली के मेंबर हैं। मखदूम खलीकुज़्ज़मा के टाइम में अब्दुल सत्तार सरेवाल रिश्तेदारी होने के बाइस क्योंकि तेहरानी से और मखदूम रफ़ीकुज़्ज़मा के घर में ये बहनें हैं, इसलिए वो उस सीट से मुकम्मल अलग हो गए और वो सीट अब्दुल लतीफ़ मंगरियों को दे दी गई। ये सिलसिला इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के हलके के तौर पे चला रहा है, लेकिन इरफान गुलमंसी मुशरफ के दौर में सूबा असम्बली की सीट पर कामयाब हुए थे। इसके बाद आज तक ये पीपल्स पार्टी और की सूबा असम्बली की नशिस्तें हैं। टलोलियार में इस वक्त जरदारी आसिफ अली जरदारी का बड़ा होल्ड है, उनकी ज़मीनें चारों तरफ हैं, वो झंडो मरी हो, उनकी 2 शुगर मिलें कायम हैं, जबकि 1 शुगर मिल मेमनों की कायम है जो कि ओल्ड है, लेकिन मौजूदा टाइम में इनके साहबजादे फरियाल टालपुर और इनकी साहबजादियों का वोट इसी इलाके से दाखिल है। ऐसा लगता है कि आइंदा इलेक्शन में वो इस टलोलियार की नशिस्तें कौमी और सूबा असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। अब वो इलेक्शन जब भी हों ताहल वो ज़मीनों की ख़रीदारी उनके वो दामाद जो कि यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं पंजाब के हैं, ये ज़मीनें वगैरह ज़्यादातर वो उनके नाम पर ख़रीदी जा रही हैं। और साहब राजा असलम खानजादा टलोलियार महकमा रेवेन्यू टनल सिंध का सबसे बड़ा ज़रई इलाका टलोलियार ताल्लुका भी था और डिस्ट्रिक्ट भी है। आप देख सकते हैं और साफी राजा असलम खानजादा रेवेन्यू की सूरत हाल आपके सामने है कि आप गुलाब लगारी
और गुलाम अली टंडो गुलाम अली को बदीन में शामिल कर दिया गया, और जबकि कौमी असम्बली की नशिस अब सिर्फ टंडोलियार की हदूद तक महदूद हो गई है। हाला को अलग कर दिया गया, आप देख सकते हैं। और साफी राजा सुबहानदार टंडोलियार सिंध पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।